प्रदेश प्रवक्ता शर्मा का हुआ जोरदार स्वागत। कर्नाटक में मिली जीत से उत्साहित होकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मिशन 2023 की तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी है, जिसके तहत मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा शुरू किया है। आज सोमवार को स्वदेश शर्मा ने सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हुए ग्राम पंचायत उचाड़ और इंदरगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। स्वदेश शर्मा के उचाड़ और इंदरगढ़ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का जोरदार स्वागत किया। स्वदेश शर्मा ने स्वागत के उपरांत ग्राम पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामवासियों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि श्री कमलनाथ ने वचन दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी बहनों को 1500 रुपये उनके बैंक खाते में जमा करवाए जाएंगे, साथ ही गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा, युवाओं को नौकरी, महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा। स्वागत करने वालों में मृगेंद्र चतुर्वेदी, धीरेन्द्र सिंह राठौर, रमेश खटीक, सोनू पठान आदि कई कांग्रेसी जन उपस्थित रहे। संवाददाता शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। बैठे हैं वो कह रही मुझे 1000 रुपये नहीं मिले, तो ये एक स्लोगन है, लेकिन माननीय कमलनाथ जी वचन देते हैं, उनके यहाँ होता दृष्टि पत्र, दृष्टि का मतलब है नजर, नजर पड़ गई तो ठीक है, नहीं पड़ गई तो नहीं की बात, लेकिन वचन तो निभाने पड़ते हैं। और हनुमान जी के वक्त कमलनाथ जी उन्होंने वचन दिया और कार्रवाई भी शुरू कर दी कि जैसी हमारी सरकार बनेगी हर बहन के खाते में वहाँ उसमें ये भी नहीं होगा, उनने तो ये भी किया है कि वो 23 साल से कम उम्र ना हो, 60 से ज़्यादा ना हो, जिसके घर में कोई नौकरी वाला हो, पैसा वाला हो उसको नहीं मिलेंगे, कोई टैक्स भरता हो उसको नहीं मिलेंगे, 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन होगी उसको नहीं मिलेंगे, मतलब कुल मिला के उनने 20-25 लाख टारगेट रखा कि इतनी महिलाओं को मिल पाएंगे पैसे, मतलब बांट दिया उनने बहनों को। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, 18 साल से आपकी जितनी भी उम्र है, आपके घर में चाहे कलेक्टर भी हो कोई, लेकिन अगर आप घर की मुखिया हैं तो आपके खाते में 1500 रुपये आने जाना है। और सिलेंडर का सबसे ज़्यादा उपयोग करती है हमारी माताएं बहनें, सिलेंडर 500 रुपये का, जैसा कांग्रेस ने कहा राजस्थान में शुरू कर दिया, 500 रुपये का सिलेंडर मिलता है राजस्थान में, क्योंकि हमारी सरकार है कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में भी गैस सिलेंडर 500 रुपये का देंगे कमलनाथ जी, इसमें कोई कई संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो हमेशा करते हैं। जैसे उन्होंने कहा था हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे, 2018 में जैसी सरकार आई किसानों को कर्ज माफ करना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन इन आताताइयों को, इन माफियाओं को उनकी सरकार अच्छी नहीं लगी। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया कमलनाथ जी ने, आप में से बहुत लोग पढ़े लिखे होंगे, कमलनाथ जी के टाइम में 100 रुपये 100 यूनिट बिजली थी कि नहीं थी, आप बताओ, थी, जोर से बोलो थी कि नहीं थी, अगर थी तो हाथ उठा के बोलो हाँ थी, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली। आज स्थिति क्या है कि बिजली महंगी, जो विद्युत विनियामक आयोग है, आयोग ने बिना पूछे पाछे बिना लोगों